Vighnaharta Shri Ganesha, Shri Ganesha, Shri Ganesha. महाराज, ऐसे दुस्साहस करने वाले चोर को कड़े से कड़ा दंड मिलना चाहिए। भोला मुखड़ा किंतु हृदय में कपट, और ऐसा कपट, चोरी भी की तो स्वयं भगवान के मंदिर में। क्षमा कीजिएगा, भगवान के इतने निकट रहकर भी अंधकार और अज्ञानता से भरा है आपका मस्तिष्क। सत्य जाने बिना, मेरा दोष प्रमाणित किए बिना आप मुझे दोषी ठहरा रहे। एक तो अपराध करते हो, उस पर महाराज गजपति के सामने बड़ी बड़ी बातें करते हो। अपराध नहीं, किंतु हाँ, भूल अवश्य हो गई है मुझसे। अच्छा हुआ, भयभीत होकर इतने शीघ्र ही तुमने अपनी भूल स्वीकार कर ली। अपनी भूल स्वीकार की है मैंने, अपराध नहीं, चोरी नहीं। और मेरी भूल यह है कि मैंने प्रभु जगन्नाथ जी को जगन्नाथ जी नहीं माना, और ये भूल स्वीकार की है मैंने। किंतु महाराज, महाराज मैं चोर नहीं हूं। फिर वो मंदिर का स्वर्ण थाल तुम्हारे पास कैसे आया? वो तो एक बड़ी दयालु स्त्री थी, वो मंदिर से लाई थी। मुझ जैसे भूखे प्यासे प्रभु भक्त को अपना छोटा भाई मानकर महाभोग खिलाया था उसने। असंभव, मंदिर में बस सूप का पुजारी ही महाभोग के लिए जा सकते हैं, और किसी को भी इसकी अनुमति नहीं होती। तो किसी स्त्री के पास वो थाल कैसे आ सकती है? उन्हें कैसे मिला ये तो मुझे ज्ञात नहीं, किंतु मेरे पास तो उन्हीं से आया। तो वो स्त्री कौन थी? मुझे ज्ञात नहीं। क्यों, उन्होंने अपना परिचय तो दिया होगा? भगवान अपने भक्तों को परिजनों समान प्रेम करते हैं, मेरा इतना ध्यान रखते हैं जैसे मेरे अग्रज हो, तो मैं भी उन्हें अपने बड़े भाई समान मानती हूँ। उन्होंने इतना ही कहा था कि वो प्रभु जगन्नाथ जी को अपना बड़ा भाई मानते हैं। तो तुम्हारे अनुसार स्वयं देवी सुभद्रा आई थी तुम्हारे लिए महाभोग लेकर? वो अकेली नहीं आई थी, उनके साथ एक माता भी थी। वो जब आई थी तब उन्हें किसी ने देखा था? क्या उन्होंने महाभोग किसी और को भी खिलाया था? हाँ, एक वानर आए थे, उन्हें खिलाया था। वाह, तो अब क्या हमें उस वानर से पूछना पड़ेगा? वो प्रमाणित करेगा तुम्हारे कथन का सत्य। वो कोई और नहीं, स्वयं राम भक्त हनुमान जी थे। माता प्रतिदिन उन्हें भोग खिलाती। अच्छा, तो यदि वो हनुमान जी थे तो स्वयं माता लक्ष्मी आई थी तुम्हें भोग देने के लिए? जब देवी सुभद्रा आई थी, माता लक्ष्मी आई थी, हनुमान जी भी पहुंचे थे, तो अब ये भी कह दो कि बलभद्र जी भी आए थे। हाँ, दोनों देवियों से पहले एक सज्जन पुरुष आए तो थे। महाराज, सुना आपने, ये चोर ही नहीं है बल्कि इसका एक एक शब्द झूठ की पराकाष्ठा है। झूठ नहीं, सत्य कह रहा हूं। उन्होंने मुझे कथा सुनाई, उन्होंने बताया कि प्रभु की अपूर्ण मूर्ति में ही पूर्णता है, साक्षात नील माधव का वास है प्रभु विग्रह में, वही है जगत के नाथ श्री प्रभु जगन्नाथ। वो आकर मेरा हाथ थामेंगे, जिसके लिए मैं यहाँ आया हूँ। महाराज, मेरा एक एक शब्द सत्य है। पहले प्रभु श्री बलराम आए थे और उसके पश्चात वो दोनों देवियां भी आई थी। तो अब जगन्नाथ जी ही बचे हैं, वो भी आएंगे तुम्हारा हाथ थामने, तुम्हें अपना सखा बनाने। हाँ, मैं तो यही चाहता हूँ। अब आप ही बताइए, इससे बड़ा सौभाग्य और क्या होगा कि प्रभु मुझे ही अपना सखा बना ले। मेरी राजसभा में परिहास का दुस्साहस कर रहे हो तुम। पुत्र माधवदास, ये कभी मत भूलना कि जो भी होता है प्रभु की लीला और उनकी इच्छा के अनुसार ही होता है। लीला लीला,
अर्थात माता ने कहा था इस संसार में जो भी होता है प्रभु की लीला के अनुसार ही होता है। तो ये भी प्रभु की एक लीला ही है, प्रभु की एक लीला ही है। आप लीलाधर हैं स्वामी, पल भर के लिए मैं भी ये भूल गई थी, किंतु आपका भक्त वो नहीं भूला। अब यह आपकी कैसी लीला है प्रभु? अब मैं समझ गया, जो हो रहा है वो प्रभु की लीला के अनुसार ही हो रहा है, और जो होगा वो भी प्रभु की लीला के अनुसार ही होगा। मुझे इस पर विश्वास होने लगा है, किंतु कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि महाराज के क्रोध का भय भी है। हाँ। क्या हुआ है इसे? इसने अपना मानसिक संतुलन खो दिया है। शांत हो जाओ तुम। पहले चोरी की तुमने, फिर अपनी मनगढ़ंत कथाएं सुना रहे हो और हंसकर मेरा अपमान कर रहे हो, और अपने अपराध को प्रभु की लीला समझकर उनका भी अपमान कर रहे हो तुम। और अब ये भी कहोगे स्वयं प्रभु जगन्नाथ जी भी आएंगे तुम्हारी रक्षा करने? हाँ महाराज, वो आएंगे, मेरे प्रभु जगन्नाथ जी आएंगे। मुझे उन पर पूर्ण विश्वास, मुझे उन पर पूर्ण विश्वास, मुझे उन पर पूर्ण विश्वास। मैं निर्दोष हूँ, इसलिए मेरे प्रभु जगन्नाथ जी मुझे दंडित नहीं होने देंगे। मंत्री महोदय, इस दुस्साहसी को कड़ा दंड दीजिए, जब तक ये अपनी चोरी स्वीकार ना करे। प्रतिदिन सभी जनों के सामने मंदिर के ठीक बाहर 20 कोड़े लगने चाहिए इसे, ताकि सभी के सामने ये उदाहरण स्थापित हो जाए कि मंदिर से चोरी करने और झूठ बोलने का कितना भयंकर परिणाम हो सकता है। महाराज, सत्य तो सत्य ही है, वो कभी नहीं बदलने वाला। चाहे आप मुझे 20 क्या 200 कोड़े का दंड भी क्यों ना दे, आप जितना मुझे दंडित करेंगे प्रभु जगन्नाथ जी उतना ही मेरे निकट आएंगे। प्रभु जगन्नाथ जी की कथा सुनने के पश्चात मुझे इतना तो ज्ञात हो गया कि परिस्थिति चाहे कुछ भी हो, प्रभु जगन्नाथ जी कभी अपने भक्तों को अकेला नहीं छोड़ते, कभी अपने भक्तों को अकेला नहीं छोड़ते। ना ही उन्होंने राजा इंद्रदुम्न को अकेला छोड़ा था, ना ही विद्यापति को, ना ही देवी गुंडीचा को, और ना ही देवी ललिता को, और ना ही भक्त विश्ववसु को अकेला छोड़ा था। तुम मुझे कथा सुना रहे हो दुष्ट? तुम जो कथा सुना रहे हो वो संपूर्ण संसार जानता है। ये सब बोलकर मूर्ख किसी और को बनाना। ले जाओ इस पाखंडी को मेरे सामने से और उचित दंड दो इसे। मुझे दंड का भागी बनाकर आप प्रसन्न तो होंगे पुजारी जी, तो आप देखिएगा प्रभु स्वयं आएंगे, मेरी रक्षा करेंगे। ले जाओ। इतना साहस चोर में नहीं, सत्य बोलने वाले में ही हो सकता है। उसे सभी के सामने कोड़े पड़ने का दंड मिलने वाला है, अब आप क्या करेंगे भैया? कान्हा, पहले तो तुम उसे भूखा देखना भी नहीं सह पा रहे थे, अब उसे इतनी पीड़ा में कैसे देख सकोगे? स्वामी, उसे दंड मिलना आरंभ हो जाएगा तो क्या आप उसे रोकने के लिए कुछ नहीं करेंगे? धीरज रखिए देवी, मुझे अब कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं होगी। अब जब उसे मुझ पर विश्वास हो गया है, अपने प्रभु के प्रति सच्ची आस्था उत्पन्न हो चुकी है, तो फिर उसके साथ भला कुछ अनुचित कैसे हो सकता है? प्रभु के इन शब्दों में कोई रहस्य छिपा है, अब क्या करेंगे स्वामी? दुर्बल शरीर है तुम्हारा, कोड़ों का प्रहार सह नहीं सकोगे। मेरी मानो तो अब भी चोरी स्वीकार कर लो, क्षमा मांग लो महाराज से,
संभव है इस दंड से बच जाओगे। प्रभु, ये सेनापति सत्य कह रहे, इसलिए अब जो भी करना है शीघ्र कीजिए। अब तो मैं अपनी भूल स्वीकार कर चुका हूं। मैं प्रभु जगन्नाथ जी को पहचान नहीं सका, किंतु अब मैं उन्हें मानने भी लगा और उन पर विश्वास भी करने लगा। मुझे ज्ञात हो गया है कि वही श्री कृष्ण हैं और वही श्री विष्णु, वही श्री हरि नारायण है और इस जगत के नाथ। जब मैंने कुछ अनुचित किया ही नहीं, मैं स्वयं प्रभु श्री जगन्नाथ जी के मंदिर के सामने हूं, मुझे किस बात की चिंता? अब तो प्रभु ही मेरी चिंता करेंगे। लगता है कोड़े पड़ेंगे तभी तुम मानोगे। पड़ा भी और मुझे कष्ट भी नहीं हुआ। सेनापति जी, आप प्रहार कीजिए। बड़े आश्चर्य की बात है, मेरे कोड़े से तनिक भी आहत नहीं हुआ ये। भ्राता, अब मैं समझ गया हूँ, आप बस मुझे डराना चाहते हैं ना, इसीलिए कड़ा प्रहार नहीं कर रहे है ना। किंतु आप अपना समय व्यर्थ मत कीजिए, मुझ पर प्रहार कीजिए, जो होना है होने दीजिए। सेनापति जी, और कड़ा प्रहार कीजिए इस पर। ये दिखाने का प्रयास कर रहा है जैसे इस पर कोड़े का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। देखने में दुर्बल है किंतु ये अभ्यास चोर है, दंड सहने और भुगतने का अभ्यास है इसे। रुक जाइए सेनापति जी, कोई अपनी पीड़ा छिपा सकता है किंतु ये अपनी घाव कैसे छिपा रहा है? आपने इस पर इतने कोड़ों के प्रहार किए परंतु उसका एक भी चिन्ह इसकी त्वचा पर क्यों नहीं आया? सेनापति जी, मारिए फिर से इसे। हाँ।
उसकी पीड़ा अपने ऊपर लेकर तुम मुस्कुरा रहे हो भ्राता? आप तो ऐसे मुस्कुरा रहे हैं स्वामी, जैसे संपूर्ण घटना में आपको आनंद आ रहा हो। भक्त हमारी सेवा करते हैं तो उन्हें आनंद आता है देवी, और अब मैं अपने भक्त की सेवा कर रहा हूँ तो भला मुझे आनंद क्यों ना आए। देखा, मैंने कहा था ना, किसी निर्दोष को दंडित नहीं होने देंगे मेरे प्रभु। लगता है कोड़े खा खा कर इसकी त्वचा सख्त हो गई है। रुकिए मत सेनापति जी, इस बार ऐसा प्रहार कीजिए कि इसकी त्वचा उधर जाए। भक्त की भक्ति अटूट हो तो भगवान उनके लिए कितने भी कष्ट सह सकते हैं, ये तो कुछ भी नहीं। सेनापति जी, आप रुकिए नहीं जब तक ये अपना अपराध न स्वीकार कर ले। पीड़ा हो रही है इसे, जिसकी झलक इसकी आंखों में दिखाई दे रही है मुझे। उचित कहा आपने, पीड़ा तो मुझे हो रही, किंतु इन कोड़ों के कारण नहीं, क्योंकि इनकी हथेली पूरी छिल गई और मुझे एक खरोच तक नहीं है। इसका कारण समझते हैं ना आप, मेरी सारी पीड़ा प्रभु ने अपने ऊपर ले ली। चाको राखे साईया, मार सके ना कोई, बाल ना बाका कर सके, जो जग बैरी होई। अच्छा, तो अपने पीड़ा छिपाने का बहुत ही उत्तम उपाय सोचा है तुमने। भावुक होने का स्वांग करोगे तो क्या दंड से बच जाओगे तुम? सेनापति जी, मारिए फिर से इसे। रुक जाइए, मुझे थोड़ा समय दीजिए। दंड तो तभी रुकेगा जब तुम अपना अपराध स्वीकार करोगे। भागने मत देना इसे, पकड़ो इसे। इसे अपने हाथ पर मल लीजिए सेनापति जी, इससे आपका घाव ठीक हो जाएगा। मुझे ज्ञात है कि ये आपका कर्तव्य है जो आपको निभाना ही होगा, किंतु इससे पहले ये औषधि अपने घाव पर लगा लीजिए, क्योंकि मेरी रक्षा तो मेरे प्रभु कर रहे हैं। आप अपना ध्यान रखिए, लीजिए। इतनी चतुराई, भावुक होने का स्वांग सफल नहीं हुआ तो उसके प्रति सहानुभूति जता रहे हो ताकि वो तुम पर कठोर प्रहार न कर सके। सेनापति जी, आप अपना कार्य कीजिए, मुझे अपने नहीं मेरे प्रभु की चिंता है। भ्राता, मुझे क्षमा कर दे प्रभु, मेरे कारण आपको कष्ट हो रहा है। प्रभु, प्रभु जगन्नाथ जी की ये कैसी लीला थी? एक ओर वो भक्त की पीड़ा को अपने ऊपर ले रहे थे,
और उधर उनकी पीड़ा की चिंता में उनका भक्त कष्ट में था, किंतु वो स्वयं क्यों नहीं आ रहे थे? भक्त और भगवान का ऐसा ही अद्भुत संबंध होता है जया मौसी, एक दूसरे की सेवा से आनंदित होते हैं एवं एक दूसरे की पीड़ा से प्रभावित भी होते हैं, किंतु समय से पहले ना भगवान भक्त को दर्शन दे सकते हैं और ना ही भक्त अपने भगवान से भेंट कर सकता है। अर्थात मेरे प्रभु, मेरे आराध्य प्रभु महादेव जी भी इस प्रेत योनि में होने वाले मेरे स्वामी के सभी कष्ट को अपने ऊपर ले रहे हैं। पुष्पदंत जी के ही नहीं जया मौसी, महादेव तो आदि से अंत तक सदा अपने सभी सच्चे भक्तों के कष्ट सहते हैं। भगवान अपने भक्तों को कष्ट में नहीं देख सकते। भक्ति का महत्व अब माधव दास भी समझने लगा था, जिसके कारण एक ओर उसका प्रभु में विश्वास भी बढ़ रहा था, वहीं दूसरी ओर प्रभु के कष्ट से वो स्वयं भी कष्ट में था। मैं तब तक दंड के नियम और प्रकार बदलता रहूंगा जब तक तुम अपना अपराध स्वीकार नहीं कर लेते। निरंतर दंड बढ़ाता रहूंगा मैं। अभी तक तो कोई कष्ट नहीं सहा है तुमने, वास्तविक दंड की बारी तो अब आने वाली है। मैं आपके कैदी के साथ कुछ पल एकांत में रह सकता हूं? अवश्य। तुम्हारे लिए फल लाया हूं, लो खा लो। वाह, पहले मुझे कोड़े पड़वाए और अब फल लेकर आए। तब मैं सत्य असत्य में भेद नहीं कर सका था, किंतु अब क्या पुजारी जी? अब लगता है जैसे ये प्रभु जगन्नाथ जी की ही लीला है। ये तो मैं भी समझ नहीं पा रहा हूं, ये कैसे लीला है प्रभु की, जिसमें मुझे भी पीड़ा होगी और उन्होंने भी। ये कैसे लीला है जिसमें वही मुझे दोषी बना रहे और वही मुझे बचा भी रहे, जहां एक और आप अपने भक्त का हाथ थाम भी रहे, किंतु हाथ थामने आगे भी नहीं आ रहे हो। चिंता मत करो, तुम वो प्रथम भक्त नहीं जिसके मन में ये प्रश्न उठा है। अर्थात ये मानना कि जिनके हाथ नहीं वो तुम्हारे सामने होकर भी भगवान नहीं, यही तो किया था उन्होंने। सर्वप्रथम उन्हें अपूर्ण मानकर प्रभु जगन्नाथ जी की पूजा करने से मना कर दिया, किंतु आगे चलकर वही प्रभु के महानतम भक्त बने। कौन है वो भक्त पुजारी जी? वो महान भक्त कोई और नहीं, महान संत रामचरितमानस के रचयिता राम भक्त गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। नमो विरूपेभ्यो विश्वरूपेभ्यश्च वो नमः। हे प्रभु श्री राम, आज आपके दर्शन पाकर ये भक्त तुलसीदास धन्य हो जाएगा। जय हो श्री राम, जय हो प्रभु श्री राम। किंतु भक्त माधव दास के पास तो कारण था, वो तो उन प्रभु जगन्नाथ जी को ढूंढते हुए आया था जो उनका हाथ थामे, इसलिए प्रभु के बिना हाथ वाले स्वरूप को देखकर वो निराश हुआ था। किंतु भक्त शिरोमणि महाकवि तुलसीदास जी, जो प्रभु जगन्नाथ जी के राम स्वरूप के परम भक्तों में से हैं, उन्होंने भी प्रभु के इस स्वरूप को देखकर क्यों नकार दिया था गजानन? जब भक्त अपनी भक्ति में अत्यधिक खो जाता है, तब कल्पना में भी आए अपने आराध्य के आकार को साकार होते हुए देखना चाहता है। फिर उसे संतोष भगवान के उसी रूप को देखकर होता है जिसे वो अपने मन की दृष्टि से देखता आ रहा होता है। गोस्वामी तुलसीदास जी के मन में तो प्रभु श्री राम का ही वास था। Thank you.
हे प्रभु श्री राम, आज आपके दर्शन पाकर आपका ये भक्त तुलसीदास धन्य हो जाएगा प्रभु। जय प्रभु श्री राम। दाऊ, भक्त की भक्ति उस शीतल जल के समान जो भगवान के हृदय की प्यास बुझाती है। आज अवश्य ही कोई विशेष भक्त तुमसे मिलने आने वाला है, जिससे मिलने को तुम इतने व्याकुल दिखाई दे रहे हो कृष्ण। वो आपकी झलक मिल गई है प्रभु मुझे। आपका ये भक्त तुलसीदास आपके साक्षात दर्शन करने के लिए आ रहा है प्रभु। वो कौन है कान्हा? मेरे महानतम भक्तों में से एक भक्त शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास। कौन सज्जन थे जो अचानक प्रकट हुए, मुझे संभाल लिया? अभी तो यही थे, तिशी खा चले गए। प्रभु श्री राम, मुझे इस प्रकार लड़खड़ाने से बचाने वाले एकमात्र आप ही हो सकते। जय प्रभु श्री राम। भगवान की आंखों के सामने भक्त संतुलन खोकर गिरने लगे और भगवान उसे ना संभालें, उसे आहत होने दें, असंभव है ये। प्रभु, आपकी चरण धूलि पाकर मस्तक से लगाकर धन्य हो गया है तुलसी। ये मेरे आराध्य नहीं है, मेरे प्रभु तो प्रभु श्री राम, और मेरा हृदय तो तृप्त मेरे प्रभु श्री राम के दर्शन करके ही होता है। उससे अवश्य कोई भूल हुई है। यदि कोई व्यक्ति ईश्वर को भक्ति की दृष्टि से देखता है तो ईश्वर भी उसे प्रेम की दृष्टि से देखते हैं। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।